हेलो एवरीवन। और आज मैं आप लोगों को आलू डांठा की सब्जी दिखाने जा रही हूँ, एकदम घरवा तरीके से और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जो हम लोग के घर में काफ़ी पसंद किया जाता है। पहले मैं सरसों तेल को गर्म कर ली हूँ। सरसों तेल गर्म होने के बाद आलू और डांठा को मैं लंबे लंबे टुकड़ों में काटी थी और उसे मैं भुनी भी नहीं हूँ। आलू डाठा और प्याज सभी को मैं एक साथ डाल दे रही हूँ ऊपर पर, और यहाँ पे गोटा टमाटर भी मैं डाल दी हूँ। और सभी को हम लोग 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। और भूनने के बाद यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। आप लोगों को यदि तीखा पसंद हो आप लोग देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। और कश्मीरी मिर्च डालने के बाद फिर मैं डालूँगी और इस सब्जी में मैं हल्दी नहीं डाली हूँ और ना ही कोई फ़ौरन मैं डाली थी। ऐसे फ़ौरन डालने से डाला जा सकता है, सरसों डाला जा सकता है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पाव भाजी मसाला, और अदरक लहसुन वगैरह मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और पाव भाजी मसाला को मैं 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी, और भूनने के बाद, और आप लोग चाहे तो इसे ढक ढक के भी भून सकते हैं। और ये सब्जी चावल के साथ बहुत ही यम्मी लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, और इसका झोल काफ़ी झोल झोल सब्जी ये बनता है, और ग्रेवी इसका काफ़ी पतला होता है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। और टमाटर का जो खट्टापन रहता है उसके वजह से एकदम वाव टेस्ट आता है। और आप लोग चाहने से इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में नींबू पसंद नहीं किया जाता है, और धनिया पत्ता मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं है धनिया पत्ता। इस पे धनिया पत्ता भी डाला जा सकता है। और यहाँ पे मेरे पास और एक आलू था, उसे भी मैं काट के डाल दी, बिना छीले ही मैं डाल दी हूँ। बिना छीले आलू में एक बहुत ही अजीब सा मतलब टेस्ट रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो टेस्ट, मुझे तो बहुत पसंद है बिना छीले हुए आलू। और यहाँ पे मैं टमाटर को, जो गोटा टमाटर डाली थी उसे मैं काट दे रही हूँ, जिससे कि उसका जूस सब्जी के साथ मिलके थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आ जाए। और इसे 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी मैं, और भूनने के बाद फिर ढेर सारा पानी डाल के मैं पका लूँगी। और पानी डालने का क्लिप मैं मिस कर गई हूँ, इसलिए सब्जी मेरा पक गया है। और पकने के बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए सब्जी मेरा पक के तैयार हो गया है, और ये बहुत ही यम्मी लगता है सब्जी। ओके बाय फ्रेंड्स।